कारोबारी संभव जैन के अगवा मामले में बुधवार को लुधियाना में पुलिस और गैंगस्टर विचाले मुकाबला होने की खबर सामने आई है। इस मुकाबले में दो गैंगस्टरों की मौत हो गई, इस अलावा ASI भी जख्मी होया। इस संबंधी सूचना मिलने से लुधियाना पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल मौके पर पहुंच गए। ये मुकाबला द्राहा नेड़े शामी 5:50 से होया। इस मारे गए गैंगस्टरों की पहचान संजीव उर्फ संजू ब्राह्मण और शुभम गोपी वजो हुई है। पुलिस ने कारोबारी गवाह मामले में छापेमारी भी की थी। इतने भजदे बदमाशा ने पुलिस से गोलियां चला दित्तियां। सूत्रों मुताबिक पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में बदमाशों से गोलीबारी की। इस बारे पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल ने दसा कि गैंगस्टर कारोबारी संभव जैन के केस में लड़िंदे सन। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अज संजू और गोपी का CIA टीम वालों पीछा किया जा रहा है। क्रॉस फायरिंग में दोनों गोलियां लगियां, एक ASI को भी गोली लगी है। इन्हों बदमाशों का काफ़ी अपराधिक रिकॉर्ड है, दोवों की मौत हो चुकी है, पर इसकी पुष्टि मौके पर पुजन तो बाद की जाएगी। शुक्रवार राती करीब 8:30 कपड़ा कारोबारी संभव जैन और कार विच फैक्टरी तो नूरवाला लड्डू कलोनी स्थित अपने घर ले निकलिया। फैक्टरी तो करीब 700 मीटर दूर बाइक सवार व्यक्ति ने उन्हां दी कार नूं टक्कर मार दित्ती। इस टक्कर तो बाद कार विच सवार नौजवान कार दे अगे डिग्गिया ते जख्मी होण दा बहाना लगाउण लगा। जिवें ही संभव जैन उसकी मदद लई कार विचों बाहर निकलिया तां सड़क किनारे झाड़ियां विच लुके 4-5 बदमाशां ने उसनूं घेर लिया अते बाद संभव जैन नूं उसदी ही कार विच अगवा करके लै गए। संभव जैन ने विरोध किया तो बदमाशा ने उसके पट विच गोली मार दी। संभव जैन किडनैपिंग केस सीगा, कुछ दिन पहला लुधियाने च होया सीगा। संभव जैन बिजनेसमैन सीगा, कुछ गैंगस्टर ने इन्हां नूं किडनैप किया सीगा। किडनैप करन तो दौरान इन्हां दे फिरौती मांगी गई सीगी इन्हां तो, एंड उस तो बाद इहदी गोली मार के इहनूं सुट्टा सीगा, एंड बड़ा मुश्किल उन्हां दी जान बची सीगी। उस तो बाद पुलिस ने कार्रवाई करदे होए इसमें टोटल 7 अक्यूज आइडेंटिफाई किए सीगे। 5 असीं ऑलरेडी पहला फड़ चुके हैं ते 2 होर रहिंदे सीगे जिन्हां नूं अज क्राइम इंस्पैक्टर कुलवंत सिंह की टीम सी, उन्होंने चेज करते हुए इतने इस एरिया उन्होंने घेरन की कोशिश की। उन्होंने क्रॉस फायरिंग के दौरान साडा एक पुलिस मुलाजम सीगा ASI हैगा ASI सुखजीत सिंह, वो इंजर्ड होया, DMC उन्होंने एडमिट कराया गया। तो ये जिहड़ा शुभम एलियस गोपी एंड संजू बामन ये पहला भी इन्हों के परचे 394-399 NDPS की FIR सी, तो वो इस ड्यूरिंग द फायरिंग उन्हों की डैथ हुई है। सर इन्हों पीछा किया जा रहा है, काफ़ी टाइम तो साड़ी टीम इन्हों चेज कर रही थी, एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन इन्हों की आ रही थी, काफ़ी टाइम तो लगे हुए थे। बिकॉज ये बहुत ही सेंसेशनल केस देगा, एंड व्यापारियों व्यापारिया में इस केस में लैके एक रोस भी सीगा, एंड उन्होंने अपनी जगह अपनी थाते वो ठीक भी सीगे। और बिकॉज बिजनेस में करने वाला बंदा उन्होंने कोई रात को किडनैप कर ले इदा उन्होंने करे तो अपने आप में ये एक बड़ी खौफनाक सी चीज़ है। तो वो इस करके पुलिस वास्ते एक बहुत ही चैलेंजिंग सीगा, जे साड़ी टीम ने उन्होंने प्रोपर इनू हैंडल किया एंड इनू अंजाम तक लेके बहुत सी थाते पुलिस ने रेड मारी है, बहुत सी थाते पुलिस गई है। वो एग्जैक्ट सारिया तो मतलब हूँ नहीं दस सकते, बट बहुत सी इन्होंने कोल एक्टिवा सीगा। जी 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 वैपन है, इन्हों के ऑटोमैटिक वैपन है, चंगे वैपन है, बट वो तो फोरेंसिक की टीम आएगी, उन्होंने सारा चैक करेगी। बिकॉज असं उन्होंने टच नहीं कर सकते, फोरेंसिक कराने तो बाद असं वो सारी डिटेल देंगे। हजे तो ये केस से 2 ही बंदे रेंदे सीगे, बाकी असं 5 बंदे असं ऑलरेडी अरैसट कर चुके हैं, साढ़े कोल पुलिस रिमांड से। पिस्टल है या कोई होर गन्स ने? पिस्टल है जी, ऑटोमैटिक पिस्टल है। सर मुकाबला किन्नी देर चलिया? ये तकरीबन 8-10 मिनट चलिया जी, एंड क्रॉस फायरिंग हुई है। तकरीबन 15-20 राउंड फायर हुए हैं, 7-8 राउंड आई थिंक उन्होंने तरफ तो राउंड हुए हैं। उत्थे है सारा, क्योंकि नहीं हजे बस लेके जा रहे हैं जी, एम्बुलेंस आ रही है जी। क्रॉस फायरिंग हुई है उसमें ये दोनों ही सीगे या नहीं? नहीं दो ही सीगे जी, एक्टिव आते सीगे। ठीक है सर, थैंक यू।